शॉर्ट चल रहा है तो आज इसका हम कंटिन्यू करेंगे। अगर हमने कल हम कहाँ से पढ़ लिए थे, कल हम पढ़ लिए थे कहाँ तक, कल हम पढ़ लिए थे क्या पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, कल हम पढ़े थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है सर, आज बेकिंग सोडा पढ़ाने को कल हम क्या पढ़ लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे कि हम पढ़ा नमक के बारे में और फिर हम ये पढ़ते हैं कि नमक से आगे क्या क्या चीजें बन रही है, ठीक है। तो कल हम उसके बारे में बात की है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, अब हम उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी, आज हम बात करेंगे बेकिंग पाउडर की। जैसा आपको पता होगा कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो इस्तेमाल होता है किसमें, खाना बनाने में इस्तेमाल होता है और भी कई तरह के हमारे समय की तरह का किया होता है। देखिए फिर यहाँ पे नमक का इस्तेमाल आ गया, ठीक है। ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है पॉजिटिव। देखिए जैसे ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, तो क्या करना है आज हमें पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। जैसे कल हम क्या पढ़े, हम सर मैंने बताया कि जो नमक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नमक से बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे आपने देखा कि हमने नमक क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो CH2 गैस निकला उसके हमने क्या बनाया, बेकिंग पाउडर बनाया, ठीक है। अब फिर हम दोबारा देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे NaCl का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए। देखिए इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, और आप ये अपने भाषा में मतलब बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन पाउडर, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। केमिस्ट्री भाषा में क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, NaCl को लेते हैं, NaCl मिलाते हैं हम पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, ये चार चीज मिलाते हैं। और इन चार चीज को मिलाने के बाद हमें क्या मिलता है, NH4Cl, हालांकि ये आपका बाय प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, अब उसको बारे में पढ़ना है, इसके बारे में NaCl को इसमें क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। लेकिन कॉमन नेम जब आप दुकानों पर आएंगे, दुकान पर आप किस नाम मांगी, बेकिंग सोडा, ठीक है। और आपको पता है कि जो बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल होता है उसमें होता है केक बनाने में होता है, यानी खाने में ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम क्या पड़ा है, बेकिंग सोडा। समझ में आई कैसे इसका प्रेशर होता है, इसका इसी और ध्यान रखिएगा, ये अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर मतलब क्या होगा, बेसिक नेचर कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या इसका नेचर क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन का मतलब होता है कि ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। अब उससे क्या होगा, अल्कलाइन नेचर का है तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपकी एसिडिटी हो गई है, मतलब अगर आपकी एसिडिटी मात्रा आपके पेट में बढ़ गई है, तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, उससे राहत पाने के लिए। जो आप इनों दिनों देखते हैं वो यही चीज होती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपके पेट में मौजूद जो एक्सेस एसिड है वो क्या करता है, यूटिलाइज कर देता है, और अब क्या करता है, एसिडिटी से राहत हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए ठीक है। तो ये आपका बेकिंग सोडा वो चीज है, हमारे किसी और आपके बुक में दिया हुआ नोट कर लीजिए, इसको एक सोडा एसिड एसिड्यूज होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो आपको जो कारों में जो आपको मिलेगा देखने को, कार में अगर देखोगे तो कार के साथ एक छोटा सा एक बड़ा डिब्बा मिलता है, इसी बेसिस पर वो काम करता है, ठीक है। मतलब इसका तीन इस्तेमाल जान गया, पहला इस्तेमाल क्या तो आसान सा है, बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, सेकंड क्या हो गया इसको, एंटी एसिड इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए, और तीसरा इस्तेमाल क्या हो गया, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसी में तक उतना एक और चीज होता है, वो होता है वॉशिंग सोडा। अब देखिए क्यों लगातार मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, देखिए आप ये देखेंगे कि हर एक चीज से क्या हो रही है, अगली चीज क्या हो रही है, बन रही है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या मिला, ठीक है। देखिए अब हम क्या पढ़ना है, वॉशिंग सोडा। अभी तक हम क्या, अभी हम क्या पढ़ते हैं, जो बेकिंग सोडा जो बनता है तो क्या करिए, इसको बेकिंग सोडा को लीजिए, इसकी मतलब टू मॉलिक्यूल्स लीजिए बेकिंग सोडा, ठीक है। और क्या करिए, इसको आप क्या करिए, हीट कर दीजिए, क्या करते हैं, हीट कर दीजिए। आपको पता है हीट करने पर क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, ये क्या बनेगा, अब देखिए ये बनेगा H2O+, ये जो मिला है इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। देखिए
हमने क्या किया, हमने नमक, पानी, CO2 और अमोनिया लेके क्या बनाया, हीट। अब क्या किया, जब किसी को हीट कर दिया तो इससे क्या हो गया, H2 और CO2 निकल गया और क्या बच गया आपका, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पानी निकल गया और क्या निकल गया, CO2। याद रखिए जब भी किसी चीज को आप हीट करते हैं तो वो डिहाइड्रेट जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि आप सुने होंगे अक्सर लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, सपोज कोई बहुत गर्मी पड़ रही है, आप शरीर से पसीना निकल रहा है, रक्त निकलते जा रहा है, पानी आप नहीं पी रहे हैं, तो एक वक्त आएगा जब शरीर में जो पानी की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी किसी चीज को हीट करते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेट, अगर उसमें पानी है तो ठीक है, अगर उसमें आप पानी का मतलब उसमें अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी के रूप में क्या होगा, पानी निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन था तो ये क्या हो गया, पानी के रूप में अलग हो गया और क्या बच गया, एन2CO3। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। केमिस्ट्री में बोलेंगे क्या, सोडियम कार्बोनेट। और जब दुकानों में जाएंगे तो किसके रूप में पानी मिलेगा, वॉशिंग सोडा। जब दुकान जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हमको क्या चाहिए, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब देखिए इसके, देखिए इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है गिलास बनाने में, जो इसका मेन यूज है वो क्या है, गिलास मैन्युफैक्चरिंग। जो आप अपने घरों में गिलास को यूज करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो सबसे इसका बड़ी जो इंडस्ट्री जो है इसकी प्रोडक्ट की, मतलब इसका 95% जो हिस्सा है वाकिंग प्रोडक्ट का, वो अकेले गिलास इंडस्ट्री यूज करती है। ठीक है, मतलब इसका सबसे बड़ा काम क्या है, गिलास इंडस्ट्री में यूज करना। ठीक है, दूसरा इसका इस्तेमाल क्या से करेगा, नहीं गिलास, गिलास के जो शीशा जो होता है। ठीक है, तो मतलब उसमें इसका यूज क्या होता है, गिलास बहुत सारी चीजें हार्डनेस के लिए होता है, कई तरीके यूज होता है, मतलब लेकिन जो मैक्सिमम जो पार्ट होता है उसका उसमें इस्तेमाल होता है ग्लास इंडस्ट्री। ठीक है, डिपेंड करता है ग्लास इंडस्ट्री में कैसा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा यूज होता है, ऐसा यूज होता है कहाँ पर, सेकंड यूज होता है इसका परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का, मतलब हार्डनेस ऑफ बॉडी बाद में आएगा, लेकिन मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। होता क्या है कि क्या होगा कि जो आप घरों में पानी पीते हैं वो होता है सॉफ्ट वाटर। ठीक है, और अब जैसे कि आप जब बॉम्बे में जाएंगे या वहां जाएंगे तो वहां जो सप्लाई का पानी आता है या आता है वो हार्ड वाटर होता है। ठीक है, हार्ड वाटर मतलब ये होता है कि जब अगर पानी में अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है तो मतलब वो पानी क्या कहलाएगा, हार्ड वाटर। ठीक है, अगर पानी में मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है तो हम कहेंगे वो पानी हार्ड होता है। अब हार्ड पानी से दिक्कत क्या है, हार्ड पानी से दिक्कत ये है कि हार्ड पानी में पकड़ नहीं होता। क्यों, रीजन इसका यह है कि हार्ड पानी में छाल नहीं होता। ठीक है, कभी अगर आप सीरियल्स ध्यान से अगर देख रहे, जब आप कोई प्रचार देखते होंगे कभी आप इसका डिटर्जेंट्स का, तो बहुत ध्यान से देखेंगे तो पता वो बोलता है कि खारे पानी में छाल देता है। अक्सर ये बात बोली जाती है, जैसे बीन का प्रचार आता है या फिर घड़ी हो जाता है, उनका ही बोलता है कि खारे पानी में छाल, वो जो खारे पानी में छाल देगा उसका मतलब यही होता है कि हार्ड वाटर में छाल नहीं। ये बात क्लियर हुआ, तो दिक्कत क्या है कि हार्ड वाटर में क्या दिक्कत है कि हार्ड वाटर में आप कपड़ा जो पानी चुनी आगे निकलता है, अब झाल नहीं निकलेगा तो कपड़ा हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बोलते रहिए सबको क्या होगा, सॉरी सर्फ झाल लेता है लेकिन साबुन को आप लगाते रहिए झाल नहीं निकलेगा, तो उससे क्या होगा, आपका कपड़ा साफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम कैसा इस्तेमाल करते हैं, और इसी का नाम क्या पड़ा, यही इसका वाटर का नाम, क्यों पड़ा, कैसा इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने में, कपड़े धोने इस्तेमाल का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर पानी हार्ड होता है, जैसे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पानी हार्ड या खारा पानी यहाँ पे आता है, खारे पानी में झाग नहीं आता, और झाग को निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं इसका, क्योंकि ये क्या करता है, ये पानी के हार्डनेस को रिमूव कर देता है, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल क्या करता है, ये डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, और उससे फिर पानी क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, और साबुन लगाएंगे तो झाग क्या होता है, क्लियर हुई बात यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए तो वॉशिंग पाउडर कर लेंगे आप। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ से निकल गया लेकिन होता क्या है, जो वॉशिंग पाउडर होता है वो जो आप जो उसका फॉर्मूला जब पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला होता है ये है वही चीज कुछ है नहीं, लेकिन बस कहने मतलब ये होता है कि वाटर जब भी आपको मिलेगा आपको हमेशा वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा। ठीक है,
जब भी मिलेगा तो कैसे मिलेगा, वाटर मॉडल का मिलेगा। अभी आपने, अभी आप क्या निकाले थे, अभी आप निकाले थे क्या, एन ए टू सी यही निकाले थे अभी। यस अभी यही निकला है, इसको हीट किया गया, यही पढ़े थे ना अभी। ठीक है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये सोडियम और किसी को वाटर मॉडल ही बोलते हैं, लेकिन जब वाटर मॉडल जब आपको मार्केट में मिलता है, जब आप खेती वाटर मॉडल तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। ये है नहीं कुछ उससे अलग नहीं है, बस है क्या कि इस वाटर, इस सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं, H2 के मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, और उसके बाद जो आपको मिलता है वही क्या कहलाता है, वाटर मॉडल। तो क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा, H2O3, और इसी में H2O3 क्या करेंगे हम 10 मॉलिक्यूल में H2O के साथ रीड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए अगर आपसे प्रिपरेशन आप पूछेगा वाटर सोडा तो आपको ये दोनों रिएक्शन करना पड़ेगा। अगर मुझे पता है कि पता है कैसे प्रिपेयर करते हैं वाटर सोडा को, तो पहले आप ये लिखेंगे, क्लियर है कहानी यहाँ तक, और बाकी यूज चलेगा कहाँ यूज करते हैं। इसका मैक्सिमम इस्तेमाल होता है ग्लास इंडस्ट्री में, सेकंड इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पर, कपड़ों को धोने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, सॉल्वेंट हाइड्रेशन क्या करता है, रिमूव करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, नोट कर लीजिए, नोट करना है मेरे फलों का बाद में आपको फिलहाल अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओपी, और घरों में भी आपके ये दिखता हो, प्लास्टर ऑफ तो आज अपने घरों में पीओपी के नाम से जानते होंगे, जैसे घरों में डेकोरेशन होता है सीलिंग पे, वही पीओपी होता है। ठीक है, क्या मतलब है, देखिए इसका नाम पेरिस इस वजह से पड़ा था, रीजन है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ से बन के आता है, उसके ये बनता कहाँ से है, जिप्सम से। ठीक है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता किससे है, जिप्सम से। ठीक है, ये बताना क्या होता है, क्या किससे बनता है, जिप्सम से। और ये जो जिप्सम खोजा गया था, ये खोजा गया था कहाँ पे, पेरिस में। ठीक है, इसे इसका नाम क्या पड़ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, कुछ होता नहीं है, ये क्या होता है, CaSO4 × 2H2, इसको कहते हैं जिप्सम, कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, ये क्या है, जिप्सम। अब क्या करेंगे कि जब किसी को हीट करेंगे, अब बताइए हीट करने में क्या निकल जाता है, क्या बताया गया आपको, वाटर निकल जाता है। ठीक है, जब इसको लगभग 200 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर निकल जाता है, कितना निकल जाता है वाटर का, और किसी को हुआ। तो देखिए ये जिप्सम है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, फर्क है दोनों में, कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये देखते हैं, इसको जिप्सम कहते हैं, इससे क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब आप ये भी देखे होंगे कि जब आप पानी, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी मिला दीजिए, तो वो क्या कुछ समय बाद क्या जाता है, हार्ड जाता है। तो देखिए अब क्या करिए कि अब यहाँ से हीट हटा दीजिए, ठीक है, मतलब अब हीटिंग हटा दीजिए, तो ये वापस से क्या करेगा, पानी के साथ कंबाइन को वापस क्या देगा, जिप्सम। ये बात क्लियर है, तो मतलब जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और वापस से प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लियर है। देखिए बाकी यूज की तो कम इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये यूज आपको पता है, इसका जो एक ही कंपनी इस्तेमाल है या दो तीन इस्तेमाल कर सकते। देखिए पहले बार डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है, दूसरी बार जो आपके हाथों में प्लास्टर लगता है टूटने के बाद, हाथ या पैर पे, वो भी क्या होता है, क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं आप, प्लास्टर ऑफ। यूजेस का है कि इसको डेकोरेशन पर्पस में यूज करते हैं, जो मूर्तियां बनती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके हाथों पे या पैरों पे जो काफी लगता है वो भी इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल आपके लिए। ठीक है, चलिए और इसे फिर आपको कंफ्यूजन से पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना होता है।